हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 250 जीके क्विज का जो सीरीज ला रहे थे, आज उसका पांचवा पार्ट है, पार्ट 5, और इसमें 201 से 250 तक क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आ चुका है। और पहला प्रश्न है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल का संबंध फ्रेंड्स तमिलनाडु से है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था, जिसे पान में लगा के खाते हैं, वो खैर नाम की लकड़ी से बनता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का जो है वो भरतनाट्यम प्रमुख नृत्य है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर दास की रचना है बीजक। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? हरप्रीत अहलूवालिया जो है वह एयर इंडिया में प्रथम महिला पायलट बनी थी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? रानी झांसी ट्रॉफी फ्रेंड्स क्रिकेट में प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। भारतीय बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के सोलन नाम के स्थान पर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1953 में UGC की स्थापना भारत में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का मुख्यालय स्थित है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स वाईचुंग भूटिया फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? वर्ष 1988 में भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय संपन्न पनडुब्बी प्राप्त की थी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जैसा कि हमने बताया अभी पहले कि भरतनाट्यम कहाँ का है फ्रेंड्स, वह तमिलनाडु का है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में लिटिल अमेरिका नामक महाद्वीप स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा को हम येन कहते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है एड्यूसेट। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू है? तो यह 1 जनवरी 2006 से लागू है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? लोटस। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, फ्लावर है।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से और कहां से प्रारंभ किया गया है? वर्ष 1896 में एथेंस में इसे पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों को की शुरुआत हुई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार भारत के नागरिक होने के नाते मिला था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? 9 वर्षों की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य का संबंध असम से है। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के नागरिक हैं? तो गाटा कमास्की अमेरिकी हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जियाना जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। जी याद हो जाएगा। देश में सबसे ज्यादा ATM किस बैंक के हैं? SBI के हैं, सबसे बड़ा बैंक। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ग्रैंड मास्टर शब्द जो है वह शतरंज से संबंधित है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। भारत एवं रूस की आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी थी? उसका नाम था ब्रह्मोस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट मैकिनले एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में फ्रेंड्स चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? 64, 8 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका भी इसके इस प्रश्न से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर है रजिया सुल्तान। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर उस उपकरण का नाम है जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापती है। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो वायुसेना फ्लाइंग ऑफिसर इज इक्वल टू नौसेना लेफ्टिनेंट। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलप्पकम में स्थित है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि डिम लाइट में कम रोशनी में साफ साफ दिखाई नहीं देता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको हमारे आज का ये वीडियो कैसा लगा। आगे के वीडियोज़ में हम आपके GK की संपूर्ण तैयारी के लिए नोट्स लेके आ रहे हैं, जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट।